हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं और वो हम कैसे लिखते हैं क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि दो एंगल्स के सम या फिर दो एंगल के डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे एक लाइन है ओ एक्स। हम क्या करते हैं, ओ एक्स लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं। तो जब हम रोटेट करते हुए लाइन ओ वाई लाइन पे पहुंचते हैं तो ओ एक्स और ओ वाई के बीच में जो इंक्लाइनेशन मिलता है उसको हमने एक एंगल का नाम दिया ए। और फिर आगे रोटेट करते हैं ओ जेड लाइन तक, और यहाँ पे ओ वाई और ओ जेड लाइन के बीच में जो इंक्लाइनेशन मिला है उसको हमने नाम दिया बी एंगल। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स मिल गए। पर अगर हम यहाँ से लिखना चाहें ओ जेड एंड ओ एक्स लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन कि उनके बीच में क्या एंगल बना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये टोटल एंगल को हम क्या नाम दे देंगे, दिस इज ए प्लस बी एंगल, क्योंकि ये पूरे एंगल्स को शो कर रहा है। ए का एरिया भी आ रहा है और बी का वैल्यू भी आ रही है, तो ये टोटल एंगल को शो कर रहा है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको क्यू नाम दे दिए, सपोज कुछ भी ले सकते हैं हम, और उसको क्या किए हम परपेंडिकुलरली नीचे में ड्रॉप कर देते हैं। इस पॉइंट को अगर हम एम नाम दे दें, ओके, अगर हम क्यू से क्या करें ओ वाई लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा ये वाला ड्रॉप, और यहाँ पे क्या बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट मिला अगर हम इसको P नाम दे दें, हम P से क्या करते हैं QM लाइन पे एक लंब डालते हैं और वो लंब हमें मिल रहा है कुछ इस तरीके का ये वाले, और ये क्या बनाएगा अगर हम इसे कोण H नाम दे दें तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल H पॉइंट पे। अब यहाँ से देखिए ये वाला एंगल है A, हमने इसको नाम दिया है ये वाली लाइन, और यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर इसको ड्रॉप करेंगे तो जो हमें लाइन मिलेगी ये ऐसा कुछ ये मिलेगा। ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी हमें क्या मिलेगा ए, पर ये टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री का। तो जब ये एंगल हमें मिल गया ए तो ये वाला पोर्शन जो बच जाता है यहाँ पे ये वाला, ये हमें क्या मिल जाएगा 90 माइनस ए, ठीक है। साथ ही हम क्या करते हैं इसको एक बार और ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली, और हम इसको नाम दे देते हैं L। तो यहाँ से ये वाला लेंथ QM, ये वाला लेंथ HM इक्वल हो जाएगा किसके, PL के। तो हम क्या करते हैं ये ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं अपने समझने के लिए। सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्रायंगल ले देखें, तो ये ऐसा है कुछ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है H पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है Q एंड ये वाला पॉइंट है P, P पे कितने का एंगल बन रहा है 90 माइनस A, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल हमें मिल रहा है O P Q, कुछ इस तरीके से हमें सेकेंड ट्रायंगल मिल रहा है, दिस पॉइंट इज O, दिस इज Q एंड दिस इज P, P पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला लेंथ है, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। एक ट्रायंगल हमें और मिल रहा है ओ पी एल, वो कैसा है, इस पॉइंट पे ओ मिल रहा है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एल, एल पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल कितना है ए के इक्वल। अब हमें तीनों एंगल्स मिल गए,
और ये तीन ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए ही हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन के लिए। तो जब हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी, तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हमें ये पूरे एंगल्स के लिए चाहिए, तो इस पूरे एंगल के लिए हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला। और यहाँ पे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एम एंड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ओ क्यू। तो साइन ए प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। पर यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम रिफर करते हैं इन ट्रायंगल्स को। उसके लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू एम को रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एच प्लस एच एम, क्योंकि वो दोनों, ये टोटल लेंथ अगर क्यू एम है और यहाँ पे बीच का पोर्शन है एच, तो क्यू एम को हम क्या कर सकते हैं, एम एच प्लस एम क्यू एच क्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ के लिख लेते हैं एच एम प्लस एच क्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा, ये हमें मिल गया एच एम अपॉन ओ क्यू प्लस एच क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एच एम अपॉन ओ क्यू, एच एम कौन सा लेंथ है, एच एम इज दिस लेंथ, और यहाँ पे कोई सा भी ट्रेंगल हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं एच एम को इक्वल ले लेते हैं पी एल, मतलब एच एम की प्लेस पे हम क्या कर देते हैं पी एल की, पी एल वैल्यू पुट करते हैं, और ये हमें मिल गया पी एल अपॉन ओ क्यू। पी एल इज दिस लेंथ एंड ओ क्यू इज दिस लेंथ। अब बताइए पी एल और ओ क्यू के बीच में हमें कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड कुछ डिवीजन। तो इसमें हम करते हैं ओपी का मल्टीप्लाई और ओपी का डिवाइड। अब आप सोच रहे हैं हमने ओपी ही क्यों लिया, तो यहाँ से देखिए पी एल हमें ये मिल रहा है, और यहाँ पे तो ये वाले ट्रायंगल पे हम या तो ओ एल ले सकते हैं या ओपी। अगर हम ओ एल लेंगे तो ये बेस की वैल्यू शो करेगी, और लेकिन हमें साइन ए प्लस बी फाइंड करनी, हमें बेस नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं हाइपोटेनियस लेके चलते हैं, इसलिए हमने क्या किया ओ पी लिख दिया। वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं एच क्यू अपॉन ओ क्यू में हम करते हैं क्यू पी का मल्टीप्लीकेशन एंड क्यू पी का डिवीजन कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करते हैं ये वाले फंक्शन को इसके साथ ले लेते हैं और इस फंक्शन को इसके साथ ले लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी एल अपॉन ओ पी, इस ट्रेंगल पे देखिए पी एल अपॉन ओ पी दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये किसकी लेंथ है, एंगल ए के लिए, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस वैल्यू होती है साइन की। तो ये इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, ओके। सेकेंड देखिए ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ पी अपॉन ओ क्यू, ये वाला लेंथ ओ पी अपॉन ओ क्यू, हमें यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए दिया हुआ है, मतलब ये क्या लेंथ है, बेस की लेंथ है, और ये है हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस इज कॉस। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कॉस बी, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस बी, ओके। इसके बाद देखिए एच क्यू अपॉन पी क्यू, इस ट्रायंगल पे एच क्यू अपॉन पी क्यू दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस फॉर एंगल 90 माइनस ए। तो इसके यहाँ पे हम एच क्यू अपॉन ओ पी, एच क्यू अपॉन पी क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं साइन 90 माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यू पी बाई ओ क्यू, एंड क्यू पी बाई ओ क्यू इज क्यू पी बाई ओ क्यू, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज साइन। तो इसके वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं साइन बी, ओके। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से देखिए दो एंगल्स थे साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गई साइन ए प्लस बी एंगल की वैल्यू. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं कॉस के लिए, तो जब हम देखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो कॉस की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इस ट्रेंगल पे देखिए, जब हम लेंगे कॉस ए प्लस बी, हमें कॉस की वैल्यू मिल गई ओ एम अपॉन ओ क्यू. यहाँ से देखिए कॉस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ओ एम अपॉन ओ क्यू, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस. तो कॉस ए प्लस बी हमें मिल गया ओ एम अपॉन ओ क्यू. ओके, अब ओ एम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ओ एम है पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का. इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल माइनस एम एल लिख सकते हैं. ओ एम इज इक्वल टू ओ एल माइनस एम एल. हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए तोड़ रहे हैं. अब यहां से देखिए इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, ओ एल अपॉन ओ क्यू माइनस एम एल अपॉन ओ क्यू. अब यहां से देखिए एम एल किसके इक्वल है, एच पी के, तो एम एल की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एच पी लिख सकते हैं. तो यहां से हम एम एल की जगह पे लिख देते हैं पी एच. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से ओ एल अपॉन ओ क्यू. देखिए ओ एल ये वाला लेंथ अपॉन ओ क्यू, ये हमें कोई भी रेशियो नहीं दे रहा है, तो हम अगेन इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशन एंड कुछ डिवीजन. तो ओ एल के साथ हम क्या करते हैं, ओ पी का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो ये हमें मिल जाएगा ओ एल अपॉन ओ पी, ओ पी अपॉन ओ क्यू. इसके साथ हमने ये ले लिया और इसके साथ भी ओ पी ले लिया. वैसे इसमें हम क्या करते हैं, पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो ये हमें मिल जाएगा पी एच अपॉन पी क्यू, और ये मिल जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू. अब इसके बेसिस पे हम वैल्यू लिखते हैं. तो हमें अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओ एल अपॉन ओ पी. तो यहाँ से देखिए कौन से ट्रेंगल से हमें ओ एल अपॉन ओ पी मिलेगा, तो इसमें देखिए यहाँ से ओ एल अपॉन ओ पी ये वैल्यू है बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड बेस बाई हाइपोटेनियस इज कॉस. तो ये वाला इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है. तो हम ओ एल अपॉन ओ पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए. वैसे ही ओ पी बाई ओ क्यू, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ से ओ पी बाई ओ क्यू. ये भी क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बट एंगल क्या है, बी. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस बी. ठीक है, यहाँ का ये वाला माइनस. अब देखिए पी एच अपॉन पी क्यू, पी एच अपॉन पी क्यू दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस. कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में, 90 माइनस ए. तो ये वाला अगर 90 है, ये 90 माइनस ए है, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए. तो अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखें, तो इसके बेस रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. एंड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज साइन. तो यहाँ पे पी एच अपॉन पी क्यू हम क्या ले सकते हैं, साइन ए. वैसे ही पी क्यू अपॉन ओ क्यू, इस ट्रायंगल में देखिए पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस फॉर एंगल बी. तो ये हमें मिल जाएगा साइन बी. तो कॉस ए प्लस बी हमें क्या मिल रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हमने साइन ए प्लस बी निकाला था तो हमें यहाँ पे मिल रहा था साइन प्लस, बट जब हम कॉस ए प्लस बी ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे निगेटिव साइन मिल रहा है. ये आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा. थर्ड हम लोग देखते हैं टेन के लिए. टेन ए प्लस बी, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. तो 10 यहाँ से देखिए 10 हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज क्यू एम अपॉन ओ एम, क्यू एम अपॉन ओ एम. अब क्यू एम को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं डायग्राम के बेसिस पे. अब यहाँ से देखिए हमें कैसा ट्रायंगल मिला था, ये वाला. अब यहाँ से देखिए जब हम ले रहे हैं 10 ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस बी हमें मिल गया क्यू एम अपॉन ओ एम. अब
QM को हम क्या लिख सकते हैं, QH plus HM, तो QM की प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं QH plus HM। वैसे ही OM, OM को हम क्या लिखते हैं, OM को OL minus ML, OL minus ML। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है और रेशियो फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए QH ये है और HM ये है, HM की प्लेस पे हम वैल्यू ले लेते हैं PL, तो ये हमें मिल जाएगा QH plus PL upon OL minus ML की प्लेस पे हम क्या वैल्यू ले लेते हैं, HP, PH, ML की प्लेस पे हमने वैल्यू लिया PH, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करते हैं इनके रेशियो फाइंड करने के लिए, QH हमें मिल गया, मतलब ये वाली QH ये लेंथ हमें मिल गई और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर हमें इसका रेशियो चाहिए और इसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 10 में हमें क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब PH की वैल्यू चाहिए। वैसे ही PL, PL देखिए ये वाला लेंथ, तो अगर हम ये वाले ट्राइंगल पे देखें तो PL क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए उसके साथ OL की वैल्यू चाहिए, दैट इज बेस। हम क्या करते हैं OL का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड OL का डिवीजन कर देते हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर दोनों में डिवीजन कर रहे हैं, तो जब हम न्यूमिरेटर में करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा QH अपॉन OL और यहाँ पे मिल जाएगा PL अपॉन OL। जब यहाँ पे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और वन वैल्यू देगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा PH अपॉन OL। ओके, अब QH अपॉन OL, अब यहाँ से देखिए QH अपॉन OL, QH अपॉन OL देखिए यहाँ से QH और OL है यहाँ पे। इसके लिए हम देखते हैं दो ट्रायंगल्स जो हमें मिल रही है, फर्स्ट ट्रायंगल देखिए QHP और सेकंड है OLP। यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल और इसमें H पे है 90 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल है ओपन A और यहाँ पे Q पे क्या बन रहा है, एंगल A। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो एंगल कैसे है, एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है इस पे A और थर्ड एंगल भी इक्वल है, तो ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे देखिए QH अपॉन OL, दैट इज QH अपॉन OL, ये क्या है, इस एंगल के A एंगल के रेस्पेक्ट में दोनों का बेस है, तो दोनों के बेस के रेशियो अगर सेम है, मतलब इनके परपेंडिकुलर के रेशियो भी होंगे और हाइपोटेनियस के रेशियोज भी होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, QH अपॉन OL इज इक्वल टू HP अपॉन PL इज इक्वल टू PQ अपॉन OP। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे QH अपॉन OL की प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर हम PQ अपॉन OP पुट कर दें, QH अपॉन OL की जगह हम पुट कर रहे हैं PQ अपॉन OP। अब ऐसे ही PL अपॉन OL, PL अपॉन OL दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर दिस एंगल एंड परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 A। ओके, अब यहाँ से इस एक से हम रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे PL का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और PL का डिवीजन करते हैं और इनके बेसिस पे वैल्यूज लिखते हैं, तो PQ अपॉन OQ दैट इज इस ट्रायंगल पे देखिए, ये वाले ट्रायंगल पे PQ अपॉन OQ, ये भी क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस है और वो ये वाला एंगल है B, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10 थीटा, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 10 B की प्लस 10 A अपॉन PH अपॉन OL, या सॉरी PH अपॉन PL अगर हम लेंगे तो ये भी वैल्यू हमें बताएगा 10 A की, और PL अपॉन OL अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखिए PL अपॉन OL दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर 10, तो ये हमें मिल जाएगा 10 A इंटू 10 B।
मतलब अगर हम डिफाइन करेंगे 10a प्लस बी तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, 10a इंटू 10b प्लस वो हमें वैल्यू देगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेकेंड हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है OX, हम क्या करते हैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और जब हम रोटेट करते हैं OZ पे टोटल हम रोटेट करते हैं OY तक, और OY तक टोटल हम जब रोटेट करते हैं तो हमें एंगल मिलता है A। पर हम क्या करते हैं अगेन जो OY तक रोटेट है उसको फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं और OY पे OZ पे आके रुक जाते हैं, तो OY और OZ के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग बोलते हैं B। तो OX और OZ के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा A माइनस B। फिर हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए OZ वाले लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं P और उस पॉइंट को परपेंडिकुलरी नीचे ड्रॉप करते हैं और परपेंडिकुलरी OY पे ड्रॉप करते हैं जैसे हमने एडिशन पे किया था। अब P को से भी हम OX लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, Q से हम आगे एक लाइन बनाते हैं और P से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें H पॉइंट मिल जाता है और H पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला एंगल A है, वैसे ही ये वाला एंगल हमें A के इक्वल मिलेगा क्योंकि दोनों कैसे हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हमें फाइंड करना है साइन A प्लस A माइनस B, कॉस A माइनस बी एंड टेन A माइनस बी। सबसे पहले यहाँ से देखिए जहाँ पे भी हमें जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो वैल्यू लेंगे। अगर हमें ml चाहिए पर ml की वैल्यू हमें नहीं पता तो ml की प्लेस पे हम क्या लेंगे ph। वैसे ही अगर हमें और कुछ वैल्यू रिफर करनी पड़ी तो हम उसको रिफर करके उसके इक्वल वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन के लिए साइन a प्लस बी। तो जब हम साइन a प्लस बी लेंगे सॉरी साइन a माइनस बी, तो जब हम a साइन a माइनस बी लेंगे मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन ए माइनस बी हमें क्या मिल जाएगा क्यू एम अपॉन ओ क्यू। ओके अब साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई क्यू एम अपॉन ओ एम ओ क्यू क्यू एम अपॉन ओ क्यू। अब क्यू एम की वैल्यू को हम और क्या ले सकते हैं क्यू एम को हम और ले सकते हैं एच एम माइनस एच क्यू। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको एच एम माइनस एच क्यू, ये वैल्यू भी रिप्रेजेंट करेगा क्यू एम को क्योंकि इस टोटल लेंथ में अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें क्यू एम के इक्वल लेंथ मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं ओ क्यू को यहाँ पे डिवाइड किए, अब हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं जैसे हमने प्लस के में किया था एडिशन फॉर्मूले में किया था। तो ये हमें मिल जाएगा एच एम अपॉन ओ क्यू माइनस एच क्यू अपॉन ओ क्यू। ओके अब एच एम ये वाला लेंथ किसके इक्वल है पी एल के इक्वल है, मतलब एच एम की प्लेस पे हम पी एल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं पी एल अपॉन ओ क्यू और एच क्यू, एच क्यू को हम एज इट इज रहने देते हैं एच क्यू अपॉन ओ क्यू। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं एच क्यू की वैल्यू हमें पता है पर ओ क्यू के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऐसा फंक्शन लेते हैं यहाँ से पी क्यू और उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड कर देंगे और इसके साथ ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले को इसके साथ ले लेते हैं, वैसे ही इस फंक्शन पे पी एल अपॉन ओ क्यू पी एल अपॉन ओ क्यू इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस पे ओ पी का मल्टीप्लिकेशन एंड ओ पी का डिवीजन कर देते हैं। तो जब हम पी एल के साथ ओ पी को ले लेते हैं और एक बार इसको ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा ये वाला फंक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज रखते जाते हैं। तो पी एल अपॉन ओ पी देखिए पी एल अपॉन ओ पी ये क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, किस एंगल के लिए ये वाले एंगल के लिए, और ये क्या है एंगल ए है तो हमें क्या मिल जाएगा साइन ए। ओके सेकेंड देखिए ओ पी अपॉन ओ क्यू
तो ओपी अपॉन ओक्यू हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ओपी अपॉन ओक्यू, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ओपी क्या हो जाएगा बेस, एंड ओक्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, एंड बेस बाय हाइपोटेनियस इज कॉस, तो बी एंगल के लिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस की, तो ये हमें क्या मिल गया कॉस बी। आप देखिए एच क्यू अपॉन पी क्यू, ये क्या है एच क्यू अपॉन पी क्यू, दैट इज इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये वाला एंगल है ए, तो बेस बाय हाइपोटेनियस हमें मिल जाएगा कॉस, तो ये हमें मिल गया कॉस ए। फिर देखिए पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये पी क्यू इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी एंड ओ क्यू इज हाइपोटेनियस, तो ये हमें देगा साइन की वैल्यू, और यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन बी। तो साइन ए माइनस बी हमें क्या मिल गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी याद रखिएगा, अगर हमें साइन ए माइनस बी निकालना है तो साइन ए कॉस बी मिलेगा, देन कॉस ए साइन बी, ये एंगल्स की वैल्यू है, और बीच में हमें साइन कौन सा मिल रहा है माइनस का। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद कॉस की वैल्यू, तो जब हम देखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इस लेंथ के लिए देखेंगे अगर हम ये वाले एंगल के लिए ए माइनस बी एंगल के लिए, तो बेस हो जाएगा क्यू एम, एंड बेस है ओ एम, एंड हाइपोटेनियस इज ओ क्यू, तो हमें ये मिल जाएगा ओ एम अपॉन ओ क्यू। अब ओ एम देखिए, ओ एम को हम क्या ले सकते हैं, ओ एल प्लस एल एम ले सकते हैं, तो ओ एम की प्लेस में अगर हम ओ एल प्लस एल एम पुट कर दें और ओ क्यू को एज इट इज रहने दें, तो हमें मिल जाएगा ओ एल प्लस एल एम अपॉन ओ क्यू। अब हम ओ एल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ओ एल अपॉन ओ क्यू प्लस एल एम अपॉन ओ क्यू। ठीक, अब ओ एल अपॉन ओ क्यू देखिए, ओ एल अपॉन ओ क्यू, ये हमें कुछ भी रेशियो नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं जिससे हमें कुछ रेशियो फाइंड हो जाए। अब सेकंड देखिए, एल एम अपॉन ओ क्यू, एल एम अपॉन ओ क्यू, यहाँ पे भी कोई रेशियो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं एल एम की वैल्यू ले लेते हैं पी एच, और उसको फिर लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा एल एम की जगह पे पी एच अपॉन ओ क्यू। इस केस में हम क्या करते हैं ओ पी का मल्टीप्लिकेशन एंड ओ पी का डिवीजन, तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे पी एच और ओ क्यू मिल रहा है, तो देखिए पी एच एंड ओ क्यू, तो इस पे हम इसको क्या करते हैं पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं, सबसे पहले देखिए ओ एल अपॉन ओ पी, यहां से ओ एल अपॉन ओ पी इस एंगल ए के लिए क्या है बेस एंड हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमें क्या मिल जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस इज कॉस, तो ये हमें मिल गया कॉस ए। वैसे ही ओ पी अपॉन ओ क्यू, यहाँ से देखिए ओ पी अपॉन ओ क्यू, ये किसकी वैल्यू दे रही है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की, एंड बेस बाय हाइपोटेनियस इज कॉस, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू कॉस बी की। अब फिर से देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है पी एच अपॉन पी क्यू, तो पी एच अपॉन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज साइन, तो ये हमें मिल जाएगा साइन ए। वैसे ही पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये भी क्या है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस फॉर एंगल बी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी हमें क्या मिल गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जब हम माइनस पे एंगल ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड हम लोग देखते हैं टेन ए माइनस बी के लिए, तो जब हम लिखेंगे टेन ए माइनस बी तब हमें क्या मिलेगा, टेन ए माइनस बी इज परपेंडिकुलर बाई बेस, और ए माइनस बी एंगल ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एम, एंड बेस हो जाएगा क्यू
ओ एम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन ए माइनस बी इज क्यू एम अपॉन ओ एम। अब हम क्या करते हैं, इनको तोड़ के लिखते हैं, तो क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं, एच एम माइनस एच क्यू। वैसे ही ओ एम, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल प्लस एल एम। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से एच एम है, एच एम को हम क्या ले सकते हैं, पी एल के इक्वल ले सकते हैं क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है। हम एच एम की प्लेस पे ले लेते हैं पी एल, और एच क्यू को एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद है ओ एल, ओ एल को हम वैसे ही रहने देते हैं, एंड एल एम, एल एम लेंथ को हम ले सकते हैं पी एच के इक्वल, यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू पी एच। अब हमें टेन का फंक्शन लेना है, मतलब हमें टेन चाहिए, तो पी एल, यहाँ से देखिए पी एल, ये क्या की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की, तो हमें चाहिए बेस, मतलब हमें ओ एल का क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ओ एल का डिवीजन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एल अपॉन ओ एल माइनस एच क्यू अपॉन ओ एल अपॉन ओ एल अपॉन ओ एल माइनस एच क्यू अपॉन ओ एल। अब यहाँ से देखिए पी एल अपॉन ओ एल, पी एल अपॉन ओ एल दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर एंगल ए, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, टेन ए। वैसे ही एच क्यू अपॉन ओ एल, एच क्यू अपॉन ओ एल। अब यहाँ से देखिए दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल है पी एल ओ और एक ट्राइंगल है जो ऐसा बना है एच क्यू पी। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये ए एंगल है और यहाँ पे ये वाला एंगल है ए। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके रेशियो सेम होंगे, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास पे। तो यहाँ से देखिए एच क्यू अपॉन ओ एल, मतलब एच क्यू अपॉन ओ एल, ये कैसे हैं, बेस के रेशियो। तो अगर एच क्यू अपॉन ओ एल है तो इनके परपेंडिकुलर के रेशियो भी सेम होंगे। परपेंडिकुलर क्या है, पी एच अपॉन, इस पर परपेंडिकुलर है पी एल, और इनके क्या होंगे, हाइपोटेनियस के रेशियो भी सेम होंगे, दैट इज पी क्यू अपॉन ओ पी। तो हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम क्या लेते हैं पी क्यू अपॉन, इसके जगह पे हम ले लेते हैं पी क्यू अपॉन ओ पी। अब पी क्यू अपॉन ओ पी देखिए, पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी क्या है, ये वाला इस वाले एंगल के लिए, बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस है, एंड परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10, तो ये हमें मिल जाएगा 10 बी। वैसे ही ओ एल अपॉन ओ एल इज 1 माइनस एच क्यू अपॉन ओ एल को हम डायरेक्ट एक्सपांड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पी एल का, तो हमें मिल जाएगा एच क्यू अपॉन पी एल इंटू पी एल अपॉन ओ एल। अब ये बाकी फंक्शन तो हमें एज इट इज मिलेंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस, यहाँ से देखिए पी एच अपॉन पी एल को हम पी क्यू अपॉन ओ क्यू के इक्वल ले सकते हैं, एंड पी क्यू अपॉन ओ क्यू दैट इज पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज 10b। एंड वैसे ही पी एल अपॉन ओ एल हमें इक्वल मिल जाएगा 10a के, तो 10a माइनस भी हमें क्या मिल जाएगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन a, साइन a माइनस भी हमने देखा, कॉस a माइनस भी एंड 10a माइनस भी, और वैसे ही सम में हमने देखा साइन a प्लस b, कॉस a प्लस b एंड 10a प्लस b।